आपका मैं चैनल पीपी टेक एजुकेशन में आज हम आ गए हैं नई वीडियो के साथ। वो भी आज हम आपको बताएंगे इंडियन एयरफोर्स का एडमिट कार्ड जारी हो चुका है, वो आप डाउनलोड कैसे करते हैं, फुल रिव्यू स्टेप बाय स्टेप आपको एग्जाम में क्या लेकर जाना है, क्या करना है, कैसे एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा, तो फ़ोन के माध्यम से आप डाउनलोड कर सकते हैं और पीसी से भी। तो शुरू करते हैं वीडियो, ज़्यादा लंबा जाना करते हुए। अब जैसे हमारी वीडियो देखते हैं तो आप रिव्यू दे सकते हैं हमारे कमेंट में आकर, आपकी वीडियो कैसी लगी। डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी डायरेक्टली से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं एग्ज़ाम देने से पहले। एग्ज़ाम देने से पहले आप तैयारी करके देख सकते हैं एग्ज़ाम कैसा आता है इसमें। तो शुरू करते हैं, आपको पहले सरकारी .com पे आना होगा, तो आपको सिंपली दिखाई देगा शुरू में आपको इंडियन एयरफोर्स एडमिट कार्ड 2020, तो फिर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सेकेंड पेज पर आएंगे, शुरू में आपको दिखाई देगा ये एडमिट कार्ड आज की डेट में जारी हो चुके हैं और एग्ज़ाम हाल ही में इसका एग्ज़ाम 21 और 24 तारीख सितंबर में होना है। इसमें आने के बाद आपको जो एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप का एग्ज़ाम होना है आपको नीचे अगर डाउनलोड क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप सेकंड पेज पे आ जाएंगे, तो आपको जो डाउनलोड एडमिट कार्ड करना है ये फ़ोन से करना है या पीसी से करना है। तो आपको अगर साइट बंद पड़ती है, नहीं चलती, तो आप साइट नाइट में निकाल सकते हैं या सुबह मॉर्निंग में भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर डे में आपके लिए ये साइट बंद हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है, कभी नहीं चल पाती, तो आप नाइट में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आने के बाद आपको अपनी ईमेल आईडी जो आपने फॉर्म भर डाली होगी, पासवर्ड और कैचअप कोड वगैरह लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आपको साइन इन खुलेगा एडमिट कार्ड एप्लीकेशन फॉर्म, तो एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अब किसी कारण आप फॉरगेट पासवर्ड भूल गए हैं तो आप फॉरगेट पासवर्ड क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको ईमेल आईडी डालनी होगी अपनी, और जो आपने फॉर्म भरते वक्त अपना डेट ऑफ बर्थ पेज डाला होगा, स्कूल नेम, फ्रेंड का नेम, मदर नेम, जो अपने यहाँ पे एग्रीड एवरीवन कुछ भी डाला होगा, तो डालने के बाद हम फिर सबमिट पर क्लिक करेंगे, तो आपको जो मेल आएगी वो के फ़ोन पर जाएगा और आपकी मेल आईडी पर पासवर्ड पहुँच जाएगा। आप वहाँ से चेक करके इसमें दोबारा डाल सकते हैं। अब मैं बताता हूँ आपको मॉक टेस्ट कैसे निकालना है। तो मॉक टेस्ट पर क्लिक करने के बाद आपको दिखा देगा नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे, सॉरी ये आपको यहाँ कैटेगरी दिखाई देगा आपको कि आपने कौन सा फॉर्म डाला है, एक्स वाई बोथ डाला है या एक्स ग्रुप लिए डाला है, बी ग्रुप लिए डाला है। तो जैसे आपने मान लो एस एस ग्रुप लिए डाला, तो एस एस ग्रुप क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर ये अपनी अपना आप ही ये लॉग हॉल टिकट ईमेल आईडी शो करेगा, तो आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पर डायरेक्टली इस पेज पर जाएंगे, तो आपको सिंपली ऊपर दिखाई देगा एग्जाम में क्या क्या आपको कैटेगरी वाइज कैसे एग्जाम होगा। अगर आपने दो ग्रुप के लिए एग्जाम देना चाहते हैं तो आपका फिजिक्स जो है आपकी 25 क्वेश्चन आएंगे 1 मार्क्स का, और 20 मिनट का आपको टाइम मिलेगा इसके अंदर एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम सेंटर पर पहुँचने के लिए आपको 20 मिनट जाना है और अपनी आईडी प्रूफ, किसी कारण बच्चे के आईडी प्रूफ में प्रॉब्लम होती है, नेम में मिस्टेक होती है, जैसे किसी बच्चे के आईडी प्रूफ में नेम गलत होता है, रक्स डेट ऑफ बर्थ गलत हो, तो अपनी दो दो ईमेल आईडी दो सॉरी दो अपनी आईडी प्रूफ ले जाए। अगर आपके पास एक ही आईडी प्रूफ है तो अपनी अपने पास आप हाई स्कूल की मार्कशीट भी ले जा सकते हैं दिखाने के लिए, क्योंकि वहाँ पर एयरफोर्स के बंदे होते हैं और वे ही एग्ज़ाम कराते हैं, तो आपको अंदर जाने नहीं दिया जाएगा इससे पहले। देखेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये खासकर उसकी आईडी प्रूफ पर थोड़ा ध्यान देना, अपने ईमेल अपने एडमिट कार्ड पर अपनी आईडी प्रूफ पर। और सेकंड आपका एग्ज़ाम जो होगा आपका ये 20 मिनट का गैप दिया जाता है इसमें, 5 मिनट के बाद आपको फिर उसके बाद मैथ का होगा एग्ज़ाम, वो 20 मिनट का, और 25 से 30 क्वेश्चन के आपके अंदर आएंगे, उसके बाद इंग्लिश का, उसके बाद रीजनिंग का। तो आते हैं सेकंड पेज में, जो आपका ये एग्ज़ाम होगा एस ग्रुप का जो है, ये जो आपका इस ग्रुप पर दिखाई दे रहा है,
इसमें आपको टाइमिंग मिली जाएगी 1 घंटे की, 1 आवर की। तो आपको 20 मिनट के लिए आपका फिजिक्स का होगा, उसके बाद टाइम दिया जाएगा बैठने के लिए आपको, फिर सेकेंड एग्जाम आपका मैथ का होगा, उसके बाद फिर इंग्लिश का होगा। हर पेयर में आपको पास होना कंपलसरी है, और वाई ग्रुप के लिए आपका इंग्लिश का और रीजनिंग का, इसमें 2 टेस्ट होंगे आपके 45 मिनट के। हर पेयर में आपको पास होना कंपलसरी है। ये तो थी आपकी बेसिक जानकारी, और आगे को जो मैंने बताया आपको कि 45 मिनट का वाई ग्रुप का होगा, 1 घंटे का जैस ग्रुप का होगा, और बोथ का आपका होगा 1 घंटा 25 मिनट का। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर ये आपको साइड नीचे दिखाई दे रहा होगा, हाईवे रेडी है ऑल एग्जाम, यहाँ पर क्लिक करना है आपको, और स्टार्ट एग्जाम मोस्ट टेस्ट के लिए देने के लिए, जिसके यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। पूरी रिव्यू पढ़ने के बाद आपको कैसे कैसे रन देना है, आप देख सकते हैं। जब मोस्ट टेस्ट को खोलने के लिए हम नेक्स्ट पेज पे आ गए हैं, तो आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा ये एक्स ग्रुप का एग्जाम है, तो आपके साइड में आपको फिजिक्स का ही फर्स्ट पेज चलेगा, आपका फोटो दिखाई देगा यहाँ पर, आपको सीट नंबर कोड कौन सा सेट आपके दिखाई देगा, तो आप क्वेश्चन देख सकते हैं आपकी वन सील वाइज चलेंगे। अगर आपको आंसर टिक करना है यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं पहले फिजिक्स का पेयर आया आपके, ये सारे क्वेश्चन आपके शो करेगा। जैसे आप ये सारे क्वेश्चन आंसर दे देते हैं, देने के बाद आपको नेक्स्ट फिजिक्स के बाद आपका मैथ चालू होगा, मैथ के बाद आपको इंग्लिश का दिखाई देगा, जो आपकी हर पेयर में पास होना कंपलसरी है। अगर आप एग्जाम दे चुके हैं तो आपको सबमिट पर क्लिक भी कर देंगे। जैसे कि हमने फुल रिव्यू आपको बताया मैंने, कैसे आपको एग्जाम देना है, आपको कैसे अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो अपने फॉरवर्ड के पासवर्ड करके निकाल सकते हैं, जो आपको सीधी मेल पर पासवर्ड जाएगा। अगर किसी प्रकार की समस्या आपको एग्ज़ाम देने में यहाँ पर आती है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ये आपको सुनहरा मौका है एयरफोर्स में पाने के लिए कि आप एग्ज़ाम अच्छे से दें और अपनी फुल तैयारी करके जाएं। पहले आपको मोस्ट टेस्ट देने बहुत ज़रूरी हैं, कंपलसरी हैं, कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए कितने मिनट में आप कितना एवरेज निकाल सकते हैं एग्ज़ाम देने के लिए। ओके दोस्तों, धन्यवाद। कैसी लगी मेरी वीडियो आप बता सकते हैं कमेंट में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपको नई नई नोटिफिकेशन की जानकारी फुल रिव्यू के साथ मिलती रहेगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको डायरेक्टली मिल जाएगा, वहाँ जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ओके दोस्तों, धन्यवाद। और हमारे वीडियो को देखना ना भूलें फुल रिव्यू के साथ, इसे फ़ोन के माध्यम से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर फ़ोन के माध्यम से डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर क्लिक दिखाई दे रहा है, टीवी सी करके आपको दिखाएगा डेस्कटॉप साइज, फिर आपको क्लिक करना होगा, डेस्कटॉप साइज पर क्लिक करना होगा, जब आप डाउनलोड कर सकते हैं जाकर, तो पीछे साइड बन जाएगा। ओके दोस्तों, धन्यवाद।